एक्टर और प्रोड्यूसर अरबाज खान दबंग फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म जल्द ही फ्लोर पर लाने वाले हैं। पहली और दूसरी फिल्म की सफलता के बाद दबंग 3 को लेकर फैंस में पहले से ही ज्यादा क्रेज है। सलमान खान के दबंग अंदाज और दमदार डायलॉग्स ने ऑडियंस को अपनी तरफ बांधे रखा है। इस फिल्म की कई ऐसी बातें हैं जिससे फैन दबंग और दबंग 2 के दीवाने हैं। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और पादे कहां से। फिल्म में चुलबुल पांडे यानी कि सलमान खान और सोनाक्षी की दबंग केमिस्ट्री और डायलॉग आज भी सबकी जुबान पर हैं। प्यार से दे रहे लड़को वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। फिल्म के आइटम नंबर्स ने भी खूब सुर्खियां बटोरी है। मुन्नी मलाइका के बाद करीना कपूर के फेविकॉल से आइटम नंबर ने काफी धमाल मचाया है। इन दोनों गानों ने न सिर्फ फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बढ़ाया बल्कि इन दोनों हीरोइनों के करियर में एक तरह से ब्रेक भी लगा दिया। अब अरबाज खान के पास दबंग 3 के लिए एक बेहतर ऑप्शन के तौर पर सनी लियोन है। हाल ही में सनी के साथ पहुंचे अरबाज ने सनी की तारीफें करते हुए उन्हें क्या ऑफर दिया, जरा आप भी सुनिए। मलाइका ने फिल्म की थी तब मलाइका को बहुत फायदा हुआ था। करीना इतनी बड़ी स्टार होने के बाद भी आप बिलीव करोगे कि वो गाने करने से करीना को भी बहुत रिकग्निशन और फायदा हुआ। तो हुएवर डज द फिल्म, मैंने पर्टिकुलरली हर, इफ शी डज इट, आई वांट हर, आई फील दैट यू नो इट शुड सूट हर, शी शुड बी, इट शुड बेनिफिट हर एंड ऑल ऑफ दैट। सो वी हैव टू वर्क, हैव टू सी कि क्या रिक्वायरमेंट है वो उस सिचुएशन की, वो गाने की, कि क्या कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है उस सिचुएशन में, क्या किस किस्म का पर्सन वी वांट। आई रियली डोंट नो, वंस दैट हैपेंस इफ सनी फिट्स द बिल आई एम जस्ट गोना गो फॉर सनी। या फिर इसमें सनी लियोन के जलवों का तड़का लगेगा, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल सकेगा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा। बॉलीवुड के अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें।